हे गाइस, क्या कभी आप लोग के साथ ऐसी बातें होती है कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपको डेफिनेटली प्यास लग जाती है, या तो फिर आपको भूख लग जाती है, या तो फिर कोई रसोड़े में से आपको बुलाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोग के साथ बनती होगी, पर हम लोग जब बिंज वॉचिंग कर रहे हैं नेटफ्लिक्स के अंदर, या तो फिर हम लोग अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहे हैं, या तो हम लोग इंस्टाग्राम सर्फ कर रहे हैं, तो हम लोग को कभी भी ये पता नहीं चलता कि हम लोग ने 3 घंटे या 4 घंटे या तो 5 घंटे तक यही काम किया हुआ है। ना तो उसमें बीच में प्यास लगी, ना तो किसी ने हमें पुकारा, ना तो किसी रसोड़े में से कोई आवाज आई, कोई चीज नहीं होती। ऐसा क्या होता है आप लोग? अगर हो रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज मैं लेके आया हूं दुनियादारी विद डॉक्टर उदयन कच्ची के अंदर 5 प्रोडक्टिव ऐप जो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ा देगा, फोकस बढ़ा देगा और साथ साथ में कॉन्सेंट्रेशन भी इंप्रूव करेगा। और इन सब चीजों से होगा क्या, ओवरऑल आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो आज मैं 5 ऐप के बारे में बात करने वाला हूँ जहां पे पेड होगी, और अगर पेड है तो उसके मैं सब्स्टिट्यूट फ्री ऐप भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहली जो मैं बात करने वाला हूँ, बी फोकस। बी फोकस जो ऐप है वो पोमोडोरो टेक्निक, जो पढ़ाई के लिए या तो कभी भी कोई फोकस करना हो तो उसके लिए टेक्निक होती है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे 1 घंटे पढ़ना है तो व्हाट आई विल डू, 20-20 मिनट के मैं 3 पार्ट्स करूंगा, और हर 20 मिनट के बाद मैं अपने आपको रिवॉर्ड दूंगा 5-5 मिनट का ब्रेक। सो आई हैव टू डिसाइड दिस लेवल कि भाई पहला मैं 20 मिनट के बाद, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर वापस से 20 मिनट पढ़ूंगा, फिर 5 मिनट ब्रेक, और लास्ट में आखिर में 20 मिनट पढ़ने के बाद मैं लेने वाला हूँ लंबा ब्रेक जो होगा 15 मिनट का। ये पोमोडोरो टेक्निक से इफेक्टिवली ये ऐप बनाई गई है, जहां पे आपको मल्टीपल अलार्म्स रखने की जरूरत नहीं है या मल्टीपल टाइमर्स रखने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू सेट ऑल द थिंग्स इन दिस ऐप और आपको ऑटोमेटिकली आपका कॉन्सेंट्रेशन इसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास एक टाइम मीटर है और उसके बाद आपके लिए रिवॉर्ड के लिए 5 मिनट मिल रही है, जहां पे आपको अगर इच्छा हो रही है, प्यास लग रही है तो प्यास बुझा सकते हो, या तो फिर आपको कुछ खाना है तो खा सकते हो, या तो फिर आप अपना इंस्टा या व्हाट्सएप चेक कर सकते हो। तो ये पहली ऐप है, दिस इज अ फ्री ऐप। सो नाउ देयर इज अ पेड ऐप ऑल्सो जिसका नाम है फॉरेस्ट। सो इन दिस कैटेगरी फॉरेस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऐप, जहां पे पोमोडोरो टेक्निक नहीं बोल सकते हम लोग, यहाँ पे इतना बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको कुछ फोकस कर, मान लो आपको एक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी हो, कोई अकाउंट्स के कुछ सम्स कंप्लीट करने हो, 5 सम्स करने में अगर 1 घंटा लग रहा है, यू सेट अ टाइमर फॉर 1 आवर, वहां पे एक इंटरेक्टिव स्क्रीन होगी जो एक सीड होगा, वो सीड धीरे 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 जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा वो सीड जो है वो ग्रो होते होते ट्री में बनता जाए, और ये सारे ट्री आप जितनी बार पूरे दिन के अंदर, पूरे महीने के अंदर या जब तक के लिए आप यूज करो, आपका एक प्राइवेट फॉरेस्ट बनता जाएगा। और साथ साथ में हर एक ट्री ग्रो होने के बाद आपको 5 कॉइन्स दिए जाएंगे, और एक्चुअली में वो कॉइन्स से आप रियल ट्री को प्लांट कर सकते हो। तो वो ऐप के अंदर वो फीचर है, आप लोग कभी भी जाके देख सकते हो वो ऐप के अंदर। प्लस इसके अंदर एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम लोग जब ऐप खोल के बैठ जाते हैं, पर कई बार क्या होता है कि इंस्टा का नोटिफिकेशन आता है, या तो फिर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ रहा है, या तो किसी का कॉल आ जाता है। ऐसे केस के अंदर जैसे ही आप ऐप स्विच ऑन करोगे, फॉरेस्ट से दूसरी ऐप के अंदर चला, तुरंत थोड़ी देर के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, योर प्लांट इज डाइंग। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता चलेगा, अरे मुझे अभी के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे पहले इतने सम्स निपटाने और फिर मुझे यहाँ पे, ये 130 कंट्रीज के अंदर ये नंबर 1 ऐप प्रोडक्टिविटी लेवल के अंदर ये नंबर 1 ऐप थी। और साथ साथ के अंदर जिन लोगों को ये आदत होती है प्रोकास्टिनेशन करने की, बाद में कर लूंगा, बाद में हो जाएगा, फिर कर लूंगा, बाद में कर, उन सबके लिए ये सबसे बेस्ट ऐप है फॉरेस्ट। तो हमने सबसे पहले प्रोडक्टिविटी वाले की बात कर ली। दूसरी जो ऐप है, जो दूसरी कैटेगरी मैंने रखी हुई थी अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो ये होती है, कई बार बच्चे को ऐसा हो जाता है कि भाई म्यूजिक सुनना पसंद होता है, तो रेडियो सुनते हो तो वहां पे डिस्टर्बेंस आते हैं, कई बार गाने जो होते हैं वो हाई पिच पे गाने आ जाते हैं, या तो फिर वो म्यूजिक जो कान को इतना अच्छा नहीं लग रहा वैसा कोई म्यूजिक आ रहा है, कई बार बहुत सॉफ्ट म्यूजिक आता है कि हम लोग जब सम करने बैठे हमें एनर्जी चाहिए तो वो सो जाने वाली फीलिंग आती है। सो नाउ इन सेकंड कैटेगरी आई हैव केम अप विद द 2 ऑप्शंस अगेन। फर्स्ट वन इज brain.fm। brain.fm ने साइंटिफिकली कुछ ऐसे म्यूजिक के प्लेलिस्ट बनाए हुए कि आपका गोल क्या है, अगर आपका गोल है फोकस करना, और फोकस के अंदर भी कौन सा, डीप फोकस या नॉर्मल फोकस, अगर आपका है डीप फोकस कितने मिनट के लिए, नॉर्मली फ्री वर्जन में 15 मिनट आता है, पर अगर आप उसका पेड वर्जन ले रहे हो तो आपको वहां पे बोलो अनलिमिटेड टाइम के लिए देंगे और अनलिमिटेड सॉन्ग्स भी होंगे। सो व्हाट दे विल बी डूइंग, अगर आप बोलो 60 मिनट्स के, तो 60 मिनट्स के लिए एक म्यूजिक रखेंगे जो आपके माइंड को कंट्रोल करेगा फॉर फोकसिंग ऑन द वर्क विच यू आर डूइंग। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। साथ साथ में यहाँ पे अगर आपको
अच्छी स्लीप भी चाहिए, आपको रिलैक्स होना है, तो उसके लिए भी कुछ उन लोग ने प्लेलिस्ट बना के रखे हुए। अगर आपको नैप लेना है बीच काम के बीच में तो फिर भी आप कर सकते हो। अल्टीमेटली ये पूरा जो पैकेज है वो बहुत ही अच्छा है कि जहां पे आपको म्यूजिक, जिन लोगों को म्यूजिक सुनने के साथ काम करना है वो काम कर सकते हो, और साइंटिफिक म्यूजिक है ये सारा। फिर उसके बाद ये पेड था, अब मैं फ्री पे आ रहा हूँ। फ्री जो है वो स्टडी म्यूजिक रिलैक्सिंग साउंड iOS पे अवेलेबल है, ये फ्री वर्जन है। पर यहाँ पे हमारे पास टाइम लिमिट है, पर उन लोग के कुछ कुछ म्यूजिक्स दिए हुए, फिर आप जितना ज्यादा सुनोगे फिर उसके बाद अनलॉक होता जाएगा नए नए म्यूजिक, उस हिसाब से इन लोग का काम है। पर ये भी काम अच्छा है। एक प्रो टिप दे देता हूँ, अगर ये दोनों ऐप को नहीं खरीदना तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक होते हैं, स्टडी के लिए म्यूजिक होते हैं, रिलैक्सिंग के लिए म्यूजिक होते हैं, सोने के लिए म्यूजिक, ये सारे जो म्यूजिक्स होते हैं वो सारे यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं। आप अगर यूट्यूब प्रीमियम खरीद लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाने वाला है। तो आप यूट्यूब प्रीमियम के अंदर प्रीमियम को एप्लीकेशन के पीछे भी रन करके आप म्यूजिक को सुन सकते हो। हमारी तीसरी जो ऐप है वो है हैबिटिफाई। हैबिटिफाई क्या कर रहा है कि भाई इसका एक फ्री वर्जन भी है और इसका पेड वर्जन भी है। पेड वर्जन के अंदर आपको ज्यादा चीजें मिलेगी, पर यहाँ पे फ्री वर्जन के हैबिटिफाई ये होता है कि हर दिन की आपको हैबिट डिसाइड करनी। फॉर एग्जाम्पल मुझे मंडे वेनसडे और फ्राइडे चलना है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो मंडे आता है तो वैसा अरे आज नहीं कल जाएंगे, भाई ट्यूसडे आता है तो नहीं हमने तो वेनसडे सोच के रखा था तो वेनसडे जाएंगे। इन चीजों के अंदर वो क्या करेगा, आपको हैबिट जो आपको जो हैबिट डेवलप करनी है वो हैबिट डाल दो, कौन कौन से दिन पे आप करने वाले वो डाल दो, कितने टाइम के लिए डाल। नाउ ऐप विल रिमाइंड यू एवरी टाइम कि भाई आपके आज बोला हुआ था कि आप चलने वाले तो आप चलो, वो आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा, वो पोक करेगा, और जब कोई हमें पोक करता है तो हम एक्चुअल में वो काम करने लगते हैं। तो ये हैबिटिफाई जो है वो आप पढ़ाई के लिए कर सकते हो, कि अगर आप सोच लो कि भाई मुझे रात को थियरी पढ़नी है, या तो हो सके मुझे रोज दो फाइनल अकाउंट्स के सम करने, तो आप डेफिनेटली ये ऐप को ट्राई कर सकते हो। ये ऐप का एक फ्री वर्जन भी है और इसका पेड वर्जन भी है। पेड वर्जन के अंदर ज्यादा फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं, पर फ्री से काम हो जाने वाला है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं फोर्थ ऐप, दैट इज पॉकेट। कई बार हमारे डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन का ओवरफ्लो है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी चीजें जो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बाद में देखेंगे, पर एक्चुअली में बाद में हम देख नहीं पाते। उसका पहला रीजन हो सकता है टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और दूसरा रीजन होता है ढूंढे कैसे। हमारे फोन की गैलरी के अंदर हजारों स्क्रीनशॉट्स होते हैं, क्या कभी हमने कभी भी वो स्क्रीनशॉट्स को देखे हुए टाइम से? नहीं, क्यों? क्योंकि अब मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये पॉकेट क्या करता है, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इसके क्रोम एक्सटेंशन अवेलेबल है, फायरफॉक्स एक्सटेंशन अवेलेबल है, सबके एक्सटेंशन, सो इट वुड बी सिंक्रोनाइज्ड ऑन ऑल योर डिवाइस। अगर आप फेसबुक कर रहे हो, ट्विटर कर रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो, तो आप इन सारी चीजों को जो चीज अच्छी लगे उसे सेव कर सकते हो, और ये सारी सेव चीजें आपके डैशबोर्ड पे दिखाई। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू वांट टू सर्च एनीथिंग तो आपको डायरेक्टली वहां से मिल जाएगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपको खाली याद ये रखना है कि भाई कौन सी चीज आपको ढूंढनी है। मान लो मुझे एक बहुत अच्छी एडवर्टाइज मिली और वो एडवर्टाइज मुझे अच्छी लग रही है, तो मुझे वो एडवर्टाइज को रखनी है अपने बच्चों को दिखाने के लिए, तो हो सकता है मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे डाल दूं। वो एडवर्टाइज जो थी वो आईफोन की थी, तो मैंने अब मुझे सर्च करना है डैशबोर्ड पे आईफोन, तो आईफोन रिलेटेड जितने भी मेरे सेव किए हुए वर्जन होंगे वो सारे मुझे दिखा जाए। सो इट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल कि जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगी। एज वेल एज अगर आप न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो वो न्यूज आर्टिकल्स की कुछ लाइंस भी आप सेव कर सकते हो। सो दिस इज वेरी गुड ऐप फॉर सेविंग द थिंग्स एंड रिकवरिंग बैक वेन यू एक्चुअली नीड। तो यहाँ पे ये ऐप है फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे अब हम लोग जा रहे हैं, जो ऐप जो है जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, That is Google Keep। ये फ्री ऐप है, इसको आप टू डू लिस्ट के लिए यूज कर सकते हो, रिमाइंडर्स के लिए यूज कर सकते हो, कोलोबरेट करके काम कर सकते हो अलग लोगों के साथ। मान लो आपको ग्रुप प्रोजेक्ट आ रहा है कॉलेज के अंदर, आपको कुछ काम करना है, उसको कुछ काम करना है, कौन क्या काम निपटा रहा है, यू कैन कोलोबरेट इन रियल टाइम, यू कैन पुट योर टैग्स जिससे आप लोग सर्च कर सकते हो इजिली। तो ये सारी जो चीजें, इमेजेस सेव कर सकते हो, क्लिपिंग सेव कर सकते हो, वेबसाइट सेव कर सकते हो, एंड इट इज ब्यूटिफुली सिंक्रोनाइज ऑन ऑल द डिवाइसेस। सो ये गूगल कीप वाली फिफ्थ ऐप, एंड सो नाउ लेट अस रैप अप द सेशन। तो हमने जितनी भी ऐप के बारे में बात की वो सारी की सारी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बात की हुई है, और साथ साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसे अगर आपको आगे भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसको जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टाटा, हैव अ नाइस डे।